प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की यीशु शाह जय यीशु शालोम टू यू एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करते हुए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस समय एक संदेश आप लोगों के लिए प्रभु ने मेरे मन में डाला, और इस संदेश के लिए और इस वचन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, और ईश्वर की स्तुति करते हुए मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारा जीवन कितना कितना बहुमूल्य है और कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जीवन जब हमें मिलता है तो परमेश्वर का शुक्रगुजारी करना चाहिए। हालेलुया। बहुत लोग इसे गलत तरीके से अपने जीवन को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जीवन मूल्यवान है और इसकी वैल्यू को, इसकी कीमत को समझिए। मैं फिर से आपको ये टॉपिक बताना चाहूँगी कि जीवन मूल्यवान है और इसकी कीमत को समझो। हालेलुया। जब निराशा घेर ले और कुछ समझ में ना आए तो इंसान या तो आत्महत्या या आत्मघात की ओर बढ़ता है, या फिर अपने आप को आत्म चोट पहुंचाता है, या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाता है ना। जब चारों तरफ से निराशा घेर लेती है तब जैसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और कुछ भी बाकी नहीं, तब इंसान यही चीजों को सोचता है कि वो सुसाइड कर ले या अपने जीवन को खत्म कर दे, अपने जीवन को हार्म पहुंचाए। शैतान, शैतान को जो हमारी आत्मा और जीवन का शत्रु है, शैतान जो हमारे लाइफ का, हमारे स्पिरिट का जो एनिमी है, वो भी यही चाहता है और वो हमें ये सब करने के लिए उकसाता है। उसको, वो तो इसी ताक में रहता है। पहला पतरस 5:8 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह की नाई है और वो इस ताक में पड़ा रहता है कि वो कब किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाती है। शैतान आपकी कमजोरी की ओर ताकता रहता है और आपके एक भी कमजोर पॉइंट उससे मिल जाता तो वो उस पर हमला करता है। मेरे अजीजो, मेरे प्रियो, दूसरों के गलत और नकारात्मक शब्दों पर विश्वास न करना। दूसरे जो आपको नेगेटिव बात कहते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव चीजों को कहते हैं, आपको, आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आपके डिसीजन पर वो स्टैंड नहीं लेंगे। वो जो हमेशा आपको गलत बातों के लिए नकारात्मक शब्दों को कहता है, उन नेगेटिव बातों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि डेविल, शैतान नेगेटिव बातों के द्वारा भी हमें टोंट करता है। नेगेटिव बातों के द्वारा, नेगेटिव विचारों के द्वारा, नकारात्मक बातों के द्वारा वो हमारे जीवन में ताना बाना बुनता है। वो हमें, हमारे अपने लोगों को भी इस बीच में शामिल करता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो और आप नहीं ले पाते। दूसरों के नेगेटिव बातों को सुनकर, गलत बातों को सुनकर, नेगेटिव विचारों को सुनकर आप डिस्टर्ब हो जाते हो और अपने आप को आप रुलाते हो। आप इस तरह से हो जाते हो कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। मेरे अजी, जो बहुत बार ऐसा होता है और डेविल भी इसी बात में ताक में रहता कि वो आपको नष्ट करे। वो बाइबल बताती है वो तो आपके जीवन और आपके आत्मा का शत्रु है ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमेशा इसी ताक में है कि आपको फाड़ खाए, आपको नष्ट करे। जब ऐसा होता है तो चारों तरफ से, मेरे अजीजो, परमेश्वर का धन्य नाम की महिमा करते हुए मैं कहती हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन आज आपको बताता है कि रोमियो 8:28 में परमेश्वर सारी बातें मिलाकर आपके लिए क्या को लाएगी? भलाई को लाएगी। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 के पद संख्या 10 को अगर पढ़ेंगे तो वह बताता है, चोर केवल चोरी करने के लिए और घात केवल नाश करने के लिए आता है, पर यीशु मसीह आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। यीशु ने जीवन को बनाया था, मृत्यु को नहीं बनाया था। मेरे प्रियो, ध्यान देना, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर, वो मृत्यु को नहीं बनाया। पहला आदम आया था
जो मृत्यु को लाया, लेकिन दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वो जीवन देने के लिए आए। उन्होंने पाप की मृत्यु को नष्ट किया। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आया ही है आपको जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। आमेन। आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगी एक ऐसे स्त्री के बारे में जिसके जीवन में एक समय ऐसा कठिन परिस्थिति आया कि वो भी सोच रही थी कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मैं सब कुछ, वो भी अपने आप के जीवन को खत्म करने का विचार कर रही थी। इस तरह के नेगेटिव विचार, उसको आसपास, उसके आसपास कोई नहीं था उसका मदद करने वाला, उसको समझाने वाला, या ऐसा कोई भी थर्ड पर्सन नहीं था कि जो उसको समझाए। लेकिन उस कंडीशन में भी परमेश्वर ने उसकी सुनी और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। मेरे अजीजो, आज मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जीवन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है। कभी भी शैतान की बातों में आकर गलत डिसीजन मत लीजिए। लोगों के नेगेटिव बातों को सुनकर गलत डिसीजन को मत लीजिए। लोग तो होते ही हैं, आपको ताना मारने के लिए आपके साथ नहीं खड़ा होंगे। अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है, और परमेश्वर ही आपके साथ खड़ा रह सकता है, और अभी तक वो आपके साथ खड़ा है। आइए मैं उस स्त्री के बारे बताऊं जिसके जीवन में एक ऐसा कठिन समय आया था जिससे उसे लग रहा था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। अब उसको जीने का कोई उम्मीद नहीं, उसके जीने के लिए कोई मकसद नहीं, सब कुछ दी एंड था। वो हताश थी, निराश थी, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसे जीवन दान दिया, इवन उसके लिए भली योजना को भी रखा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 के पद संख्या 15 से लेकर के 20 तक मैं पढ़ूंगी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 के पद संख्या 15 से 20 में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे में छोड़ दिया और आप उसे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठे हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। बाइबल मुकद्दस बताती है मेरे अजीजो, मेरे प्रियो, कि अब्राहम ने हाजिरा से विवाह किया था, और हाजिरा एक दासी, सारा की दासी थी। और एक समय ऐसा है कि प्रभु ने सारा को इसहाक का प्रतिज्ञा की संतान दिया, और आप और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक समय आया कि हाजिरा को अपने बच्चे को लेकर अलग होना पड़ा और उसे अलग देश भेजा जा रहा था। और जब ये भेजे जाने का कंडीशन में था, उसके बाइबल बताती कि हाजिरा और लड़का जो उसका बेटा था इश्माइल, जब वो जा रहे थे जंगल में, जाते रहे, और एक टाइम ऐसा आया कि पानी खत्म हो गया। पानी के लिए इतना तरस रहा था, पानी के लिए इतना वो तरस रहा कि पानी ही नहीं था, उसके थाली का सारा पानी खत्म हो गया था। हाजिरा के पास पानी पूरी तरह से खत्म हो गया था और उसे लग रहा था कि अब उसका बेटा मर जाएगा, और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी, दुआ करने लगी थी। उस समय उसकी स्थिति हताश वाली थी। उस स्त्री वो स्त्री अगर देखा जाए, कोई आप ही अगर इस बात को ध्यान देना, आपका बच्चा हो या आपका कोई कलीग हो, आपका जो प्रिय हो, अगर आपके सामने ऐसा कंडीशन आता है कि आपका बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा है और आपके मदद करने वाला और आपको पानी देने वाला, खिलाने वाला कोई ना हो, आप ऐसे कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हो जहाँ आपकी मदद करने वाला कोई ना हो और आपका बच्चा भूख से, पानी से तड़प रहा, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी?
सोचिए, हम संसारिक वे में अगर देखते हैं, हमारा बच्चे को कुछ भी तकलीफ है तो हम कितने जल्दी तड़प उठते हैं। तो सोचो, हाजिरा, वो भी एक माँ थी, अपने बच्चे के ऐसे कंडीशन को देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था अब पानी खत्म है, कड़ी धूप है, वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सोचिए कितनी कड़ी धूप होगी, कितने कठिन हालात होंगे, कितने कठिन रास्ते, कितने सारे परिस्थितियां ऐसी होंगी। उसे लग रहा था कि उसका बेटा अब मर जाएगा, और कोई भी माँ, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की मृत्यु अपने आंखों से नहीं देख सकता। इसलिए हाजिरा को भी ऐसा फील हो रहा था कि अब उसका बच्चा मर जाएगा, और वो अपने बच्चे को झाड़ी के पास में बैठा कर छोड़ के कुछ दूर वो बैठकर खूब रोने लगी, रो रख कर दुहाई देने लगी, परमेश्वर को याद करने लगी। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा कंडीशन आता है कि जब कुछ सब खत्म हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन हमारा साथ देगा, कैसे मैं इस डिसीजन को लूं, कैसे मैं इस निर्णय को लूं, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, कोई मेरी तकलीफ को नहीं समझ रहा है। सचमुच अजीजों, कभी कभी ऐसे हालात, ऐसे कंडीशन आते हैं जब मुझे और आपको ये फील होता है कि अब क्या करें। कई बार ऐसा कंडीशन आता है जब आपके अपने खुद के परिवार वाले भी आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको इतना सताया जा रहा है और आपके साथ कोई स्टैंड पे नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार हो और आपके इस बीमारी का डॉक्टर भी कह देते कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी मेडिसिन नहीं है। कई बार ऐसे कंडीशंस, कई बार ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं, बहुत निराशा वाला कंडीशंस खड़ा हो जाता है, जैसे हाजिरा के जीवन में खड़ा हो गया था। सोचिए, जब हमें ये चीज पता चलता है कि हमारे निर्णय में, हमारे डिसीजन में, हमारी बीमारी में कोई खड़ा नहीं है, इस तकलीफ में कोई खड़ा नहीं है, कई बार आप तनहा हो जाते हो, कई बार आपको समझ नहीं आता है कि ऐसे समय में हम क्या करें, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बार हमारी गलतियों से, कभी कभी हमारे जीवन में इतनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि इस गलती से हम कैसे उभरे, कैसे इन सिचुएशन से निकले। मैं सिस्टर ज्योति आपको बताना चाहूंगी और इंकरेज भी करना चाहूंगी, मेरे जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी थी जहां मुझे भी लग रहा था कि मेरे जीवन में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट हो चुका है, अब मेरी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं क्यों जी रही हूँ जब मेरे लाइफ का सब कुछ खत्म हो गया है। मैं ऐसे कंडीशन में थी, मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उस समय जब प्रभु में मैं नहीं आई थी, मुझे उस समय गाइड करने वाला उस तरह का कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। मैं खुद एक हिंदू परिवार से हूँ और मैंने परमेश्वर को अपनाया। ऐसा कंडीशंस आया था कि मुझे समझाने वाला कोई नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सब कुछ खत्म हो गया, और इस डिसीजन मेरे मेरे इस मेरे खुद के गलत डिसीजन के वजह से अब मेरा सब कुछ खत्म है, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, मैं बहुत रो रही थी। और इस ऐसे हालात में मैं अपने पेरेंट्स को, अपने कलीग को भी नहीं बता पा रही थी कि मेरे साथ क्या घटनाएं घटी। मैं काफी रो रही थी, मैं खुद को काफी तनहा महसूस कर रही थी, हताश थी, निराश थी, ऐसा लग रहा था मेरा जीवन समाप्त होने पर है, अब सब कुछ खत्म होने पर है। मैं अपने घर पर, अपने रूम पर बैठे काफी देर तक रोने लगी, रोने लगी। मैंने आपको बताया ना, शैतान आपके कमजोरी पर हमला करता है, और ठीक उस समय शैतान ने भी मेरे विचारों को भांप लिया था, और उस समय उसने मुझे भी ऐसे विचार दे दिए थे कि मैंने भी सोचा कि चलो अब मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगी, सुसाइड कर लूंगी। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है, जैसे इस तरह के विचार थे उसी समय परमेश्वर की आवाज आई थी, शरीर को कोई नाश करे तो करे, लेकिन तुम उससे डरो जो शरीर आत्मा को घात करता है। सोचिए, ऐसे कंडीशन में जब मेरे साथ ये दुर्घटना घटी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि अब सब कुछ खत्म है। मैं रात के 12 बजे उठकर काफी देर तक रोती रही, रोती रही, रोती रही। मेरे कमरे पर कोई नहीं था, मैं अकेले रोती रही, रोती रही। और उसी समय परमेश्वर ने मेरा रोना सुना, परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना, और परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तेरे सारे गुनाहों को क्षमा करता हूँ, और अब मैं तुझे एक नया नाम दूंगा, और मैं तुम्हारे हर काम में तुझे सम्मति दूंगा, और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, और मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा। भजन संहिता 32:8 के इस वचन से प्रभु ने मुझसे बात किया।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:20 से प्रभु ने बात किया था मुझसे। मैं उन वचनों को कभी नहीं अपने जीवन में भूलती हूँ जिससे प्रभु ने मुझसे बातें की थी। हालेलुया। मैं भी उस समय रो रही थी जैसा हाजिरा रो रही थी अपने बेटे की मृत्यु को देख करके, हताश थी, निराश थी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे कंडीशन आते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें लगता है कि अब हमारा सब कुछ खत्म है, जैसे मेरे जीवन में हो रहा था। पर अब ईश्वर का धन्यवाद हो, मैंने शैतान की बातों को नकारा और मैंने परमेश्वर की बात को स्वीकार किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल डाला। अब परमेश्वर ने मुझे एक नया नाम दिया, एक नया नाम दिया। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा। एक परिचय, एक परमेश्वर ने मेरे लिए एक अच्छा रास्ता को खोला और परमेश्वर ने मुझे अपनी दासी के रूप में एक पहचान दी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। उस कंडीशन में मुझे भी ऐसा लगा था सब कुछ खत्म है। अगर मैं उस समय शैतान की बातों को सुनती और अपने जीवन को नष्ट करती या अपने आत्मा त्याग कर लेती तो आज साईं सिस्टर ज्योति की आवाज आप लोग नहीं सुन पाते। पर प्रभु के धन्य नाम की महिमा करते हुए मैं कहती हूँ कि मैंने शैतान की बातों को नकारा और मैंने परमेश्वर की बात को सुना और मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि उस समय के कंडीशन में मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था कि मैं किसी को बताऊं और कोई मेरा सपोर्ट करे। कई बार ऐसा आएगा कि आपको डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा, आपके सपोर्ट पर कोई खड़ा नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट होंगे जैसे इस समय हाजिरा के साथ हो रहा था। हाजिरा भी सोचिए, हाजिरा के पास पानी खत्म है, उसका बच्चा मरने पर है, वो रो रही है और रोए जा रही, क्योंकि उसको अब उसको लग रहा था कि उसका बेटा समाप्त हो जाएगा, उसका बेटा खत्म हो जाएगा। उसको इतना तकलीफ हो रहा था, उसकी जो तकलीफ भरी स्थिति थी उसे मैं और आप डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हो सकता है आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और इस तकलीफ में आपको लगता है कि कोई नहीं है आपका सुनने वाला, अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं और ऐसा लग रहा होगा कि अब कुछ मेरी जिंदगी का आशा नहीं। बाइबल मुकद्दस बताती है, कई बार आप पढ़ना परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, नया नियम में लिखा है परमेश्वर ने मुर्दों को जुलाया, परमेश्वर ने कोढ़ी को शुद्ध किया, परमेश्वर ने अंधे को आंख दिया, परमेश्वर ने 38 वर्ष से जो बीमार था उस रोगी व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया। पर क्या प्रभु आपको चंगा नहीं कर सकता? कर सकता है। आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु ने अगर जीवन दिया है तो उसके पीछे एक बड़ी योजना है। ये जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। बाइबल बताती है कि हाजिरा काफी रो रही थी, हताश थी, निराश थी, उसका ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। पर जब उस समय वो चिल्ला चिल्ला कर रही थी तब वहां पर स्वर्गदूत आता और उसे कहता है कि हाजिरा मत रो, परमेश्वर ने तुम्हारे बेटे की पुकार को सुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने तुम्हारे बेटे की आवाज को सुन ली है और खुदा ने हाजिरा से कहा, परमेश्वर खुदा बाप ने हाजिरा से कहा कि अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मत डर, क्योंकि जहां तेरा बेटा है वहां से परमेश्वर ने इसकी आवाज सुन ली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? दयालु है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया। आपको पता है जब आप रोते हो उस समय, सोचिए मेरी कंडीशंस को ही मैं आपको बताती, मैं भी काफी रो रही थी, परमेश्वर के पास काफी रो रही थी और परमेश्वर ने मेरी आवाज को सुनी। बाइबल मुकद्दस प्रेजेंट बात करता कि वो आपकी आवाज को सुनता है। आमेन। आज आपको ऐसी कंडीशन आई है तो जाइए प्रभु के पास, परमेश्वर के पास रोइए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर दया का करने वाला, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमेशा आपके साथ स्टैंड रहता है, तकलीफ में आपका कोई साथ नहीं देता है, पर परमेश्वर ही एक है जो हमेशा आपका साथ देता है और हमारी आवाज आसमान के खुदावन परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा को सुनाई पड़ती है और वो सुनता है और उसको सुनाई पड़ेगा, क्योंकि वो जीवित है, जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि जान लेना ये सच है कि परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है और वही हमारा सच्चा मित्र है। आपके तकलीफों में,
आपके साथ खड़ा कोई नहीं होगा, आपके दुखों में आपके साथ खड़ा कोई नहीं होगा। आपके दुखों पर खड़ा अगर कोई है और कोई खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। आमीन। जैसे हाजिरा को लग रहा था सब कुछ खत्म है और हताश थी, निराश थी, उसके मन में कई विचार आ रहे होंगे। आप ध्यान देना, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे कंडीशन आए होंगे, आप भी सोचते होंगे कि कोई मेरे साथ खड़ा नहीं, मेरी बीमारी का, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा पति वापस लौट नहीं आ रहा, मेरे शादी का डिसीजन मैं नहीं ले पा रही हूँ, कोई मेरे सपोर्ट पे खड़ा नहीं है। पर ध्यान रखना मेरे प्रियो, ऐसे निराश भरी, परेशानी भरी तकलीफों में, हताश भरी जिंदगियों में भी आप जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को सच्चा मित्र मान लेते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जैसे परमेश्वर हाजिरा के साथ खड़ा हुआ, उसकी पुकार को सुना और परमेश्वर ने हाजिरा के आंख को खोल दिया और उसने कुआं को देखा और पानी भरा और अपने बेटों को पिलाया, और परमेश्वर ने प्रॉमिस भी किया कि उसे एक बड़ी जाति बनाएगा, उसको ब्लेसिंग भी दी। जब आप ऐसे कंडीशन में रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के डिसीजन को एक्सेप्ट करें। परमेश्वर आपके तकलीफों में खड़ा है, कोई भी व्यक्ति आपके तकलीफ में खड़ा नहीं होगा। आज आप अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छे कमा रहे हो तो सब आपके साथ सटेंगे, लेकिन जहां आप तकलीफ में घिर जाओ, परेशानी में घिर जाओ, कोई आपके करीब नहीं आएगा। ये सच्चाई है, जीवन का सच्चाई है मेरे प्रियो। निराशाओं में, हताशा में अपने जीवन को नष्ट मत करना। अगर इस निराशा में, इस हताश में हाजिरा नष्ट हो जाती या सोच लेती या डिसीजन ले लेती कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, और वो अपने बच्चे को मरते हुए देखती और अपने भी खुद को मार लेती, तो क्या परमेश्वर की आवाज को सुन पाती या परमेश्वर जिसे बच्चे को आशीष दिया उसको ले पाती? नहीं ले पाती। यहाँ पर ध्यान देना, हाजिरा निराश थी, हताश थी, उसको लग रहा था सब कुछ खत्म है, पर इस कंडीशन में वो अकेले थी और रो कर परमेश्वर की दुहाई दे रही थी। इस बात को ध्यान देना, उसने किसी व्यक्ति की दुहाई नहीं दी, उसे कोई व्यक्ति मदद करने नहीं आया था, उसे कोई व्यक्ति ने डिसीजन नहीं दिया था, उसने किसके सामने रोया? परमेश्वर के सामने रोई, परमेश्वर से, परमेश्वर के सामने उसने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सामने आंसुओं को रखा और परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उसके रोने को सुना, और उसे उसके उसे ही नहीं वरन उसके बेटे को भी बचाया, जीवन दान दिया और ब्लेसिंग दी। यही चीज होती है मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर को पुकारते हो। मैंने आपको कहा ना, मेरे जीवन में भी एक ऐसे समय आया था जब मैंने डिसाइड किया था अपने जीवन को नष्ट करो, लेकिन जैसे मैंने परमेश्वर की आवाज सुना, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, एक नया नाम, एक नई पहचान दिया और परमेश्वर ने मुझे आशीष का कारण बनाया। आज सिस्टर ज्योति की आवाज को आप सुन पा रहे हो, हालेलुया। अगर मैं उस समय परमेश्वर की आवाज को नकारती और दुष्ट की आवाज को सुनती तो आज मैं जीवित नहीं रहती। और आपको एक बात बता दे रही, उस समय जब मैं रो रही थी मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, कोई मेरे आसपास नहीं था, कोई मेरे मुझे समझाने वाला नहीं था, कोई मेरे आंसुओं को पोंछने वाला नहीं था। उस समय मैं अकेली थी और परमेश्वर मेरे साथ था। मैं किसके पास रोई थी? प्रभु यीशु मसीह के पास रो रही थी और हर एक बातों के लिए मैं पश्चाताप कर रही थी, क्योंकि मेरा उस समय कहा जाए तो मैंने बपतिस्मा 2012 में लिया था, लेकिन अगर सच्ची बपतिस्मा कहूं तो परमेश्वर ने मुझे 2016 में दिया। हालेलुया, मेरा सच्चा पश्चाताप उस समय हुआ था और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। आमीन। आज परमेश्वर अपने वचन की सेवा के साथ मुझे कई जगह लेकर जाता है। ये मैंने कमाया नहीं है, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का दान वरदान मुझे मिला है। हालेलुया, ये मैंने खुद से नहीं कमाया मेरे प्रियो, प्रभु मुझे दिया। जिस तरह परमेश्वर ने इश्माइल को आशीष दी, इसी तरह मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, अपने जीवन को इंपॉर्टेंस दें। गलत लोगों की बातों को सुनकर, नकारात्मक बातों को सुनकर अपने आप को निराश में मत लाइए, हताश में मत लाइए। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, डिसीजन खुद को लेना है, लेकिन हाँ, आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो परमेश्वर है। अपने जीवन के इंपॉर्टेंस को समझिए कि एक, आपको पता है, जब एक व्यक्ति, आपके पास धन संपत्ति बहुत है और आप ऐसे कंडीशन में कि आपके जीवन खत्म होने पर है, उस व्यक्ति से पूछिए जब वो हॉस्पिटल में रहता है और मृत्यु सैया पर रहता है, उसके लिए उसका जीवन कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई बीमार की सैया पर खड़ा है, उसका सब कुछ है, पर वो अपने जीवन को ना बचा सके तो क्या फायदा? इसलिए जीवन के इंपॉर्टेंस को समझना, लाइफ के इंपॉर्टेंस को समझना। धन दौलत, रुतबा, पैसा, ये आपके जीवन में काम नहीं आएगा। आपके जीवन में अगर कुछ काम आ सकता है तो वो है परमेश्वर, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, आपका जीवन इंपॉर्टेंस है। गलत बातों को सुनकर, नेगेटिव बातों को सुनकर, गलत विचारों को सुनकर, लोगों को ताने बाने को सुनकर
निर्णय गलत ना ले, अपने जीवन को एंड ना करे। अगर मैं भी उस समय जो मेरे साथ घटना घटी थी, लोगों के डर से, लोगों के ताने से, अगर मैं गलत डिसीजन लेते, आज मैं जीवित नहीं रहती। लेकिन मैंने हर चीजों को फेस किया, क्योंकि मेरे साथ प्रभु मसीह खड़े थे और खड़े हैं। आमीन। क्योंकि मैंने जाना प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन कलवरी क्रूस पर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, प्रभु आपके साथ खड़ा है। आपके निराशाओं में वो आशा देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10:10 में उसने कहा, यीशु आया है जीवन देने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है, और बहुत आयत का जीवन प्रभु देता है। आमीन, ये उसका प्रॉमिस है। प्रभु इस वचन और संदेश के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत आयत की आशीष दे। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति निरंतर मेरे और आपके जीवन से होते रहे। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु शाय, शालोम टू यू एवरीवन। आपने इस मैसेज से, संदेश से आशीष पाई है तो जरूर से और लोगों तक भी शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।